सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है सर, प्लीज़ पीएस टेट की तैयारी लिए बेस्ट बुक दस दो। मैं अलग तो दसदा, इससे अलग तो दसदा। पहले ही कर लिए कि जेडे तुसी काउंसलिंग ली चॉइस फिल कर रही है ना, वो सर आप हर बार एसएसटी दी एग्जांपल देंदे हो, मैथ से साइंस दी भी दिया करो। ओके ठीक है सर, सिलेक्शन टेस्ट किन्ने टाइम बाद हुंदा है? सिलेक्शन टाइम काश तुहाडा, तुसी किन्ना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, काश सच इस तरह हुंदा कि टाइम फिक्स हुंदा। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो जहां पर टाइम फिक्स है कि हर साल एडवर्टाइजमेंट आती हैं और जॉब निकलती हैं, सिलेक्शन टेस्ट होता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी तक किया नहीं है, देखें होता है नहीं होता है, कितना होता है, आस रख सकते हैं। लेकिन एक अलग से वीडियो बनाता हूँ इस पर। आज ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जनवरी और यहाँ, हाँ जनवरी और जहाँ फरवरी फेब में, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं सोर्स हाँ वैलिड था, लेकिन जनवरी या फरवरी में एडवर्टाइजमेंट आने की संभावना है। नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी पोस्ट निकलनी है, ये इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी तो इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो दूर नहीं है हाँ, क्योंकि वो 12,000 कितने वो सिलेक्ट हो चुके हैं, दैट इज़ वाई नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी कम हुई हैं, और किसी सब्जेक्ट में ये संभावना है। मैं दोबारा बताऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट ज़्यादा निकलने की संभावना है, जो डीपी या पीटी वगैरह है ना, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जो उनसे वार्तालाप हुई है, जो अथॉरिटी के करीब थे, जो सेंक्शन के लिए जो रिक्रूटमेंट सर में जैसे जाती है ना, वैसे कुछ ऐसे, चलो ये नहीं बताऊंगा, तो मतलब ये आपको हिंट दे रहा हूँ। सर बीएड रेगुलर के साथ ओपन एमए कर सकते हैं? यस, ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इग्नो से कर सकते हो। सर बीए विच एससी दे 50% होने चाहिए हन? बीए विच, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सर इफ एडिशनल पेपर क्लैश हो जाए, क्लैश होने की सूरत विच हर हालत विच एडिशनल पेपर नू चूज करना है, बीएड नू चूज नहीं करना, क्योंकि बीएड लिए तुहाडे को टाइम है, हुन भरिया है, 1 साल है, तुसी दोबारा पेपर दे सकते हो जब तक रिजल्ट आ जाता है। लेकिन क्लैश के विच एडिशनल नू छड्डे ते तुहाडी सारी डिग्री, सारे पेपर, 6 दे 6 पेपर जीरो हो जाते हैं। सर प्लीज़ एक वीडियो टीईटी दे फुल सिलेबस ते बना दो। जी हाँ मैं बना दिना, वो इसलिए इसी बनाया एक कि तुसी शुरू हो जाओ, मैं सारा बना दिना उस पर। सर मैंने बीएड एमडीयू रोहतक से की हुई है। अच्छा आप पंजाब यूनिवर्सिटी देना चाहते हो पंजाब से, है ना? पहली बात है कि फाइन आर्ट्स का पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं लेती, वो सिर्फ इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी लैंग्वेजेस का लेती है, दैट इज़ वाई यहाँ पर ना बज रही है, ये दिल कहाँ से बन गया। अच्छा सर सेकंड काउंसलिंग यू आर नॉट एलिजिबल क्यों लिखा आ रहा है, असी क्यों नहीं फिल कर सकते? मैनू ये नहीं पता, फिल कर सकते हैं सारे, फिल कर सकते, जिसने रिपोर्टिंग हुई है वो भी कर सकते ने, मेरे ख्याल से हूँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो 8427458843 ते या 9872978981 ते डॉक्टर राजिंदर ना या मेरे नाल गल कर सकते हो। सर मैं बीएड विच कंप्यूटर ते मैथ सब्जेक्ट ले आ, ते टीईटी विच मैं केड़ा लवांगा, क्योंकि तुसी जिहड़ा ग्रेजुएशन च पढ़िया है उस दे नाल तुसी बैटर मैथ दे, मान लो 23 या 22 सम होने हैं, सो मैथ बैटर है, इन्हां सम्स लई तुहानू हैल्प मिलेगी, 15 सम्स ते मैं तुहाडी हैल्प कर दांगा। हाँ साइंस वाले ते तुहानू मेहनत करनी पएगी, जिहड़े इन्ने सवाल होणगे, टोटल 60 होने ने, सो मैथ चूज करोगे। सर प्लीज़ एडिशनल सब्जेक्ट फोन तो, हाँ मैं टाइम नहीं मिलिया, चलो मैं कोशिश करता हाँ अभी। सर मैंने प्राइवेट में एडमिशन ले ली है फर्स्ट काउंसलिंग में, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहती हूँ। हाँ जा सकते हो सेकंड काउंसलिंग में, आपको रिप्लाई भी कर दिया है, अभी आप फिल करो, सेकंड काउंसलिंग में सारे जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा सकता। ये बंद हो गया। सर प्लीज़ इस टॉपिक पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पेशल वीडियो बना दो, क्योंकि अच्छा जो ऐसे फ़ोन भी आए हैं कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इंटरनल असेसमेंट क्यों कट जाती है, वो बचानी कैसे है, उसको रिटेन कैसे रखना है और इंक्रीज कैसे करनी, वो सारे मेथड भी बताऊंगा। इसी के साथ वीडियो निकाल देता हूँ, इसके नीचे शायद लिंक आ भी गया होगा।
सर वो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बीएड च हुंदी है जां बीएससी विच भी? नो मैं उहदा सिलेबस नहीं पढ़िया यार, ये की हो जाता दिल जहा। ओके बी एड विच ही है, क्योंकि बी एड विच हुंदा सी कि कोई चचेरे मेरे मामे चाचे ताए दे मुंडिया दे ना मार्क्स ज्यादा लग जाते सी, सो इस तरह किसी की सिफारिश नहीं चल सकती। सो सिस्टम बैटर है, इंडिया नू अपनाना चाहिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो इंडिया की यूनिवर्सिटी नू सीख लेना चाहिए है, इस तरह दी गल्लां तां सीख लेनी चाहिए हैं। सर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में टू प्रेफरेंस मिली सी। ओके टू प्रेफरेंसेस मिली सी, मैंने कॉलेज रिपोर्ट भी कर दिया है, अब मैं सेकंड काउंसलिंग में जा तो फीस पूरी रिफंड हो जाए? फीस हर हालत में रिफंड होगी, जो काउंसलिंग के जरिए गए हैं यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है, आपकी फीस बाय लॉ रिफंड होगी, डोंट वरी। इज देर एनी डिडक्शन ऑफ फीस? 1000 डिडक्ट होना, यूजीसी के नॉर्म्स हैं, जो यूजीसी ने तो डेट भी दी हुई है, शायद 30 सितंबर मेरे ख्याल में यूजीसी की डेट है, लेकिन जो काउंसलिंग लेट होती हैं तो सो इससे पहले कॉल जहाँ फीस जमा होती है उनका हक है कि 1000 वो डिडक्ट कर सकते हैं, तो इतना जायज़ है। सर सेकंड काउंसलिंग, सर ये गल सही है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च बहुत घट परसेंटेज आती है, पर मैनू जॉब मिले मिल जा ना मिले जाना मिले, पर GNDU ने मैनू सिखाया बहुत है, कुछ है आई लव या वेरी गुड शाबाश सिमरन विरक है, ये रिकॉग्नाइज कर रहे ने कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, शाबाश सिमरन शाबाश वेरी गुड। इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लर्निंग ते जोर दे रही है, मार्क्स ते जोर नहीं दे रही, ये गल सच है, और मैं पिछले वीडियो से दस भी आया हाँ शायद यही वीडियो है कि फायदा लर्निंग का ही होना है, मार्क्स का वो तो 55% चाहिए ने एलिजिबिलिटी ली, उस तो बाद सिलेक्शन टेस्ट जहाँ जिते जिते तुम जोर लाना है। सो मैं भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो ही पढ़िया हाँ, मैं अपने मार्क्स दसाँगा, चलो किसी दिन इस सारे मार्क्स दसाँगा, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाकी यूनिवर्सिटियाँ विच ये थोड़ा थोड़ा घट है। सर सेकंड काउंसलिंग आज तो चॉइस फिल हो रही है, सर प्लीज मेक वन वीडियो ऑन बीएड सब्जेक्ट्स। हाँ आ रही है, आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, काइंडली क्लियरली इंडिकेट द टॉपिक ऑफ वीडियो, थीम ऑफ वीडियो, प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट, है ना? आपने जब कहा कि बीएड सब्जेक्ट्स तो ये समझ में नहीं था आया, शायद आपने आई एम बीएड स्टूडेंट विद साइंस एंड मेजर सब्जेक्ट बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट बीएड सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन बी एड एंड प्लीज गाइड अबाउट देयर बेस्ट बुक्स। ओ यस पक्का पक्का पक्का, अभी अभी एक आध दिन में शायद अभी इसके बाद बना देता हूँ, पता चल जाए क्या ने कहा मेजर सब्जेक्ट। हाँ सारा वो सारा बता दूंगा, अभी GNDU में आपने वो नहीं बताई है ना, यूनिवर्सिटी जरूर बताया करो, वट इज योअर माइनर सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। रिप्लाई थैंक यू सर दसन लिये। ओके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं इको कॉलेज फिल किया है ड्यूरिंग कॉलेज, मैनू कोई कॉलेज भी अलॉट नहीं होया, हो हूँ की होगा, हूँ अगेन चॉइस फिल करनी पैनी है, हूँ तीन नॉर्मली उन्होंने क्या है मिनिमम तीन जरूर फिल करो, उस तरह जब फिल करनी पैनी है, तुसी सब्जेक्ट कुछ भी चेंज कर सकते हो, जरूर करनी चाहिए है। सेकंड थर्ड को फिल करन च की है, रिपोर्ट ना करो तुसी, जिहड़ा कॉलेज साढ़े नियर मिल सकता है, जे होर कॉलेज मिलता है तो अपनी चॉइस का कॉलेज किवें मिल सकता है? थर्ड काउंसलिंग विच, थर्ड काउंसलिंग तुहाडा आंसर, अगे चला मैं। ओके जे तुसी इंटरेस्ट टेस्ट दिता है, अदरवाइज मैनेजमेंट कोटा। सर एडिशनल सब्जेक्ट फोन ते ये तुसी पहला भी गल कर चुके हो, सर PS टेट वन क्लीयर करन लई दे बाद करना होवेगा? PS टेट वन क्लीयर करन तो बाद की करना होवेगा? ETT वाला पेपर दे सकता है या नहीं? PS टेट तो तुहाडा क्लीयर हो गया होगा जां ETT करके ही होना है? ETT वाला पेपर दे सकता है कि नहीं? मैनू गल दी समझ आई कि तुसी BEd की हुई है तो पेपर वन क्लीयर किया है तां तुसी पूछ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है कि BEd वाले ETT पेपर वन फिल नहीं कर सकते, तुहानू ETT वक्रे तो करना पड़ेगा, जां मैनू क्वेश्चन नहीं समझ आया। सर मैं MA इकनोमिक्स की हुई है बट मेरा SEM 4 का रिजल्ट नहीं आया, मैं कॉन्फिडेंशियल वी
ले फर्स्ट काउंसलिंग च नेम भी आया बट रिजल्ट ना आ करके सैम फोर का मैनू एडमिशन नहीं मिली, हूँ मैनू सैकेंड काउंसलिंग च एलीजिबल नहीं कर रहे, हूँ मैनू की करना चाहिए आया। थोड़ी गल नहीं मैनू समझ आई, तुसी एम ए इकनोमिक्स का कह रहे हो ना? सर मैं एम ए इकनोमिक्स, सो ग्रैजुएशन दे बेस ते होनी है तुहाडी, ग्रैजुएशन का रिजल्ट है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਮ ਏ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ 8427458843 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9872978981 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 76% ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ। ਸਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ 76% ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਬੀ ਐੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੋ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਰੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਿਹਾਏ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਵੀ ਸਕੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 76% ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮਿਡ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 20% ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ, 20% ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 15% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 18% ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 20 ਤੱਕ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ 60% ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 76% ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਮੰਨ ਕੇ 80% ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਵਾ ਲਓ, 82 ਤੱਕ ਲਵਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਐੱਮ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬੀ ਐੱਡ 'ਚ SST ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। TGT ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਨੌ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ PH.DED ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ, ਯੈਸ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ BA ਡੈਂਟਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਐਨਰਜੀ ਲਈ। ਸਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਨਰ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ 'ਚ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਨਰ ਕਿਹੜੀ ਆਨਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਨਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਨਰ ਹੈ, ਹਾਂ
सो ये लिखिया आ रहा है गवर्नमेंट जॉब से बहुत वड्डा पंगा पेगा, इसलिए इदा के सबजैक्ट इदा एरर इमीडिएट ठीक कराओ। जो भी थोड़ा DMC आता है, एक वीडियो है हूँ भी मैं दस दिना हाँ, DMC आता है, हर यूनिवर्सिटी कहती है कि 10 दिन के अंदर अंदर जे तुसी देख लेंदे हो इमीडिएट रिजल्ट आता है, अपने DMC चैक करो। DMC चैक करन तो बाद जे एरर मिलती है तो कॉलेज नू उदों ही इनफॉर्म करो, और कॉलेज की जिम्मेवारी है विदिन 10 डेज वो भेज देंगे बिना किसी फीस, बिना किसी चक्कर दे और बिना किसी नुकसान दे, तुहाडी एरर ठीक करना यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है। जेकर लेट करवाते हो जिवें 2 साल हो गए हैं फिर असी अवेयर नहीं है, इसलिए सानू फाइन पैंदा है, यूनिवर्सिटी नू वादू काम करना पैंदा है। बिल्कुल ठीक है, असी अवेयर नहीं हाँ। सो डिग्री आती है, DMC आते उदों ही चैक करो, ये गल तुहाडे नाल हो गई सी। नैक्सट है सर जी UGC नैट की तैयारी करवा दो प्लीज़, तुसी रिप्लाई भी नहीं करते। आए रोना नहीं, UGC नैट की तैयारी करवा तो सकता मैं हूँ, देखदा है टाइम, पहले पेपर दे कुछ पार्ट्स करवा दांगा। तुहाडा सब्जेक्ट भी दस्या करो, तुसी तुहाडा किहड़ा है। सर फस्ट काउंसलिंग विच अलॉट है गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला विच सारी फीस पे करती, बट हुण सैकेंड काउंसलिंग विच गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला एडमिशन लैनी है, जेकर पटियाला वाला कॉलेज मिल जाता है तो ये असी 5,000 फीस एडमिशन लई है, रिपोर्ट डे वाले दिन पे कर सकते हाँ, और क्योंकि असी पहला ही सारी फीस पहला ही वाले कॉलेज फी। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है 5,000 ना हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन दो प्रिंसिपल तो साइन कराओ हो जाएगी, पर पिछली फीस भी मलेरकोटला वाले तुम 100% 1,000 रुपया कट के जो भी रूल है बाय रूल जिन्ना बनता है वह कट के तुम वापस करे। गवर्नमेंट कॉलेज इस मामले अच्छे होंगे है, उन्होंने कोई इदा तुसी शिफ्टिंग करनी है, हाँ जी करनी, फीस पे की तुसी किन्ने मार्क्स तुहाडे, चलो इस तरह तुसी भी आपस में एक दूजे को गाइड कर देंगे, अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता। अच्छा सर कहें प्लीज़ मीट योर प्रोसीजर ऑफ फाइनैशियल एड ऑफ जनरल कैटागरी, राजे जनरल कैटागरी लिए फाइनैशियल एड लिए हजे कोई मैनू सोर्स दिसया नहीं है, मैं कितों पूछया है लेकिन ना आई है, जो आएगी फिर जरूर दसागा। जिमें थर्ड काउंसलिंग डायरैक्ट किसी भी कॉलेज में सीट लै सकते हैं, सीट ली होवे तां गवर्नमेंट च जा एडिट च सकती है सीट थर्ड काउंसलिंग च। हाँ हाँ गुड क्वेश्चन यार, ये गुड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग जी है उहदे विच प्राइवेट तो खड़े है तुहाडा वेलकम करन लई, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ठीक है सीटा भी उन्होंने को बहुत है, एडिड भी कर लैणगे, एडिड भी करनगे तुहानू मैरिट बना के। गवर्नमेंट कॉलेज कई बार एफर्ट नहीं करते, वो जिन्हिया सीटा आ गई उन्निया रेंदे ने, बाकी क्योंकि बाकी सीटा मान लो 10 सीटा बचिया हैं, वो उन्होंने भरन लई समाज वालों इन्नी सिफारिश जां गलत करन लई कहा जाता है, जो गलत करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले फसदे आ, वो गलत करते नहीं है, अपने रूल दे पक्के आ, बिल्कुल ठीक है। सो पंगा नहीं लेंदे, वो सीटा खाली रह जांदियां हन, ये दुख की थोड़ी जी गल है, थोड़ा क्वेश्चन सही है, कई जगह खाली रह जांदियां हैं। सर BEd ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मीडियम, सर BEd ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, BEd विच तीनों मीडियम ने इंग्लिश पंजाबी हिंदी, जरा मर्जी लै सकते हो। सर एडिशनल BA च कदों फॉर्म फिल हो रहे, सारी यूनिवर्सिटियां दे फॉर्म शुरू है, 1 महीना है, 25 या 30 तक लास्ट डेट है, यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है, सो तो तुसी हुण ही हफ्ते तक 2 हफ्ते तक भर सकते हो। सर BA इंप्रूवमेंट एग्जाम कदों स्टार्ट, राजे इंप्रूव सारे एग्जाम बाकिया के नाल ही होंगे हैं, जेडे जून होंगे हैं जेडे है ना, उस तो पहला दिसंबर विच हो जाते हैं, सो दिसंबर च फस्ट थर्ड फिफ्थ सैम दे हो जाते हैं, ओके जे तुसी एक सैम भरिया होया उही होणगे जिहड़े जिन्ने पेपर भरे हो होणगे, इस तरह 2, 4, 6 इत्थे जून च हो जाते हैं, सो नॉर्मल डेटशीट ही तुसी देखनी है। सर मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री पंजाबी सब्जेक्ट पढ़े हैं कॉम्बीनेशन प्लीज़, ज्योग्राफी तुहाडा बेस्ट तुहाडे तो बहुत ही वधिया है, एक सेंटर ते स्टेट दोनों लई तुसी SST तो छड्डना ही नहीं, पंजाबी नाल ये दोनों नहीं छड्डने, बेस्ट कॉम्बीनेशन बेस्ट योरज, क्योंकि ज्योग्राफी तो हिस्ट्री वाले बहुत बच्चे घट मिलते हैं। सर मैं GNDU तो MA की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एडमिशन ली है, 26 नूं रिपोर्ट किया कॉलेज विच, पर हले भी माइग्रेशन अप्लाई नहीं किया,
लेट हो जावे तो मेरे एडमिशन नहीं कैंस कैंसल नहीं होता होता। देखो माइग्रेशन है, माइग्रेशन है तो तुसी लेट हो गई तो 1000 रुपया पै जाएगा, फिर 1500 पै जाएगा, 2000 पै जाएगा, तुहानू जिहड़ा है तुहाडे पेपर भी हो जाएंगे, तुहाडा रिजल्ट भी आ जाएगा, आउट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहेंगे RLA उत्थे लिख देंगे कि अवार्ड है या माइग्रेशन है, ये डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाए, फिर वो जमा करवाया जाता है तो फिर तुहाडा रिजल्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। अच्छा हेलो सर, मैंने BEd में SST एज ए मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट के लिए एडिशनल पेपर देने मैं पंजाबी देना चाहती हूँ, और मेरे जब कॉलेज में एडमिशन ली तो बाय मिस्टेक पैडागोजी ऑफ इंग्लिश एज ए माइनर सब्जेक्ट फिल ता चेंज हो। हाँ बिल्कुल, माइनर सब्जेक्ट एक गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनर सब्जेक्ट जब तक फाइनल यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं फॉर्म तुसी फिल कर दे तद तक चेंज हो सकता है। कॉलेज अपने इंटरनल फॉर्म परफॉर्मे तुहाडे तो फिल करवाता है, वो जरूरी है, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ GEN ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ, ਵੈਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਸਰ। ਰਿਟਰਨ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ? ਰਿਟਰਨ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਓਕੇ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਆਨਸਰ ਓਕੇ ਸਰ। ਫਸਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਾਲਜ ਭਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਸਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਾਲੋ ਨੇ ਕੀ ਥੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਵਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਾਲੋ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਹਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਸੀਟ ਬਚ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੇਟ ਫਾਰ ਯੂ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਾਲਜ ਕਾ ਨਾਮ ਬਤਾਓ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਬਤਾ ਦੋ। ਸਰ ਮੈਰਿਟ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀਟ ਅਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾ ਆਂਸਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀਟਸ ਕੋ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀਟ ਅਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 3 ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਓਕੇ। ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਆਊ? 6-5 ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਹੈ, 6 ਨੂੰ, 1 ਦਿਨ 7 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ, 6 ਜਾਂ 7 ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ BEd ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਾ 2 ਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾ,